इस लड़की की शादी कब हो रही है? पता नहीं, जल्दी हो जाएगी। बेहतर होगा कि जल्दी हो जाए उसकी शादी। मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। सोए नहीं आप? नींद नहीं आ रही। कोई परेशानी है? सूबी, ये घर नहीं बिकना चाहिए। कभी मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं बचा सकता, कुछ नहीं बना सका। सिर्फ चाहता है तुम लोगों के सर और ये छोटा सा सरमाया मेरी जान पे नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपकी जान हमारे लिए कीमती है सबसे, और मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है कि तुम लोग महफूज रहो, तुम लोगों के सरों पे अपने घर की छत हो, और मैं तुम लोगों को इस दुनिया से जाने से पहले ही आसरा करके नहीं जा सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं सोचे। लंबी जिंदगी नहीं बची बीच। इस दुनिया से जाने से पहले एक ख्वाहिश की दरखास्त करना चाहता हूं, मेरी अमित की शादी कर दो जल्द से जल्द। प्लीज ऐसे मत बोल, मेरा दिल बंद हो जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं बोले, प्लीज नहीं बोले। कुछ नहीं, तुमने तो अभी बहुत लंबी जिंदगी गुजारनी है। अपने पोते पोतियों को खिलाना है, अपने नवासियों के साथ खेलना है। कैसी जिंदगी गुजारनी है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका? एक पुरुष को लंबी खुशियों से भरी हुई जिंदगी गुजार लिया था। ऐसे नहीं बोले प्लीज, मुझे आपके बगैर नहीं जीना, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। पापा बहुत बीमार रहते हैं, प्लीज सुधर जाओ। बाबा तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है, तुम प्लीज इस दलदल से निकल आओ, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। भाभी मैं क्या करूं, इसे नहीं होता तुम। तुम इरादा तो करो, मैं बात से खुद बात करूंगी, हम तुम्हें अच्छे रिहाब सेंटर में कराएंगे, डॉक्टर्स को दिखाएंगे, तुम ठीक हो सकते हो। और बाबा उनका क्या? बाबा ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। मैंने बात की है आसिम चाचू से, हमें घर बेचना होगा, इतनी रकम तो हो ही जाएगी। माफी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, हिम्मत से काम लो। माफी, मैं तुम्हारी तरह बाहिम्मत नहीं हूं। हिम्मत हर इंसान में होती है,
बस उसे तलाश करना होता है। देखो जैद, तुम इस नशे की लत से जब बाहर निकलोगे ना तो हिम्मत तुम्हारा खुद इस्तकबाल करेगी। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जैद। कल तुम बाबा के पास जाओगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उन्हें यह एहसास दिलाओगे कि वो तुम्हारे लिए कितने जरूरी और अहम है। कोशिश करूंगा। नहीं जैद, कोशिश नहीं करनी तुमने, तुमने ये लाजमी करना है। बात बेटा क्या हुआ है, जब से तुम उस लड़के को छोड़ के आए हो अपने कमरे में गुमसुम से बैठे हुए हो। बस यूं ही। मेरी तरफ देखो, बताओ क्या हुआ है। कुछ नहीं, माँ से छुपा रहे हो। एमन के अब्बू की तबीयत काफी खराब है, इसलिए परेशान हो तुम। वो एमन की शादी कर रहे हैं। ओह, बेटा वो अब उसकी हो जाएगी जिसकी किस्मत में थी। तो वो मेरी किस्मत में क्यों नहीं लिखी हुई? बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। बेटा मैं तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं देख सकती, और वो भी एक लड़की के लिए। वो सब खत्म करो ये दीवानगी, भूल जाओ उसे। मैंने तुम्हारे हवाले बहुत से ख्वाब देख रखे हैं और उन्हें मैं तुम्हारी इस मोहब्बत के नजर नहीं होने दूंगी। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। तुम इस नशे की लत से जब बाहर निकलोगे ना तो हिम्मत तुम्हारा खुद इस्तकबाल करेगी। जैद क्या हो गई है, तुम ठीक हो? जैद उठो 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 उठो, उठ के बैठो। कहाँ क्यों रहे हो तुम? जैद क्या हुआ है? मेरा नशा टूट रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ कर बैठूंगा। नहीं जैद, तुम कुछ नहीं करोगे, समझे? कुछ नहीं होगा, काम डाउन, कुछ नहीं होगा। तुम दो मिनट बैठो, यहाँ यहीं बैठे रहो, मैं बात को कॉल करके आती हूँ।
कौन था बाहर? क्लास फेलो था। क्लास फेलो बढ़ा रहे आजकल तुम्हारे घर? और रुकी इतनी सुबह सुबह? जी नोट्स चाहिए। खैर आप बताएं, आसिम चाचू ने घर बेचने के सिलसिले में क्या किया? इमन, ये घर है, कोई उंगली में पहनी अंगूठी नहीं जो बाजार जाके बेचेंगे। और वैसे भी तुम इस घर को बेचने की नहीं, यहां से रुखसत होने की फिक्र करो, ओके? बाद आई है? कहाँ गया है वो? मेरी गाड़ी लेके गया है, कह रहा था कि कोई ज़रूरी काम है। पहली बार उसने मेरी गाड़ी मांगी तो मुरव्वत में मैंने मना नहीं किया, दे दी। लेकिन हर बार मुरव्वत नहीं दिखाऊंगा, आप प्लीज़ उसे ये बात समझा दीजिएगा। अब उसे फ़ोन करें और बोले जल्दी आ जाए, पता नहीं किधर रह गया है वो। इबाद कहाँ थे तुम? वो एक जरूरी काम था। जरूरी काम से गए थे? पहले तो किसी जरूरी काम के लिए तुम्हें गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, रुहेल की गाड़ी लेके चले गए। तुम्हें पता मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हें याद नहीं जब तुम छोटे थे तुमने रुहेल का जैकेट गलती से पहन लिया? जी बिल्कुल याद है, वो वक्त याद है और आपका थप्पड़ भी याद है अभी तक मुझे। मुझे ये भी पता है अम्मी आपको ये चीजें पसंद नहीं है, बस इमरजेंसी थी, मुझे मजबूरन रुहेल की गाड़ी लेनी पड़ी। तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ऐसे मकाम पे पहुँचे जहाँ पे शीमा और रोहिल को हमारी जरूरत पड़े। तुम जानते हो मियाँ आप इतना क्यों सोचती हैं? वही इंसान ज्यादा सोचता है जो महरूम होता है। तुम मेरी महरूमियों का मदावा हो, मत भूलो। क्यों चाहिए थी तुम्हें गाड़ी? एमन के भाई को डॉक्टर के पास ले। एमन? एमन का भाई? फिर मम्मी प्लीज, मुश्किल में है वो। मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है और दोस्त ही तो मुश्किल में काम आते हैं। इस लड़की की शादी कब हो रही है? पता नहीं, जल्दी हो जाएगी। बेहतर होगा कि जल्दी हो जाए उसकी शादी। मामा, ये ना। क्या हुआ है जैद को? वो फिर से नशे? नहीं मामा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। आप बस प्लीज बाबा को कुछ ना बताइएगा, अगर वो पूछे तो उन्हें कह दीजिएगा कि वो उसी दोस्त के यहाँ पढ़ने गए। ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और बाबा भी। बस आसिम चाचू ये घर जल्द से जल्द बेच दें। एमन, तुम्हारे बाबा ये घर बेचना नहीं चाहते। और उनसे किसने जिक्र किया कि घर? जाहिर है आसिम ने, इतनी बड़ी बात छुपाई तो नहीं जा सकती। छुपा तो नहीं सकते मामा, लेकिन जानबूझ के बता जरूर सकते हैं। सब समझती हूँ मैं इनके ड्रामे। जो भी है इमन, इस वक्त तुम्हारे बाबा सिर्फ तुम्हारी और सलमान की शादी करना चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है। मगर मामा पापा की सेहत तो उनकी, मान लो फिर अपनी भी मनवा सकोगी बेटा।
बाकायदा रिश्ता मांग रही हूँ, बस आज से ईमन हमारी है। तुम्हारा एहसान है नबीला। नहीं ऐसे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एहसान तो आपका है जो अपनी बेटी हमें दे रहे हैं। चले मुंह मीठा कर। नबीला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर निकाह हो जाए। ऐसे भाई मैं भी यही कहना चाहती थी, बल्कि सलमान को भी जल्दी है, बताओ ना। जी मामू, वो आपकी ख्वाहिश थी, और दूसरा दुबई में मेरी पोस्टिंग होगी, मैं चाहता हूँ जाने से पहले निकाह करके जाओ। क्या मतलब? आप जॉब के सिलसिले में दुबई जा रहे हैं? हाँ, वो कंपनी ने मुझे दुबई प्रमोट करके। मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। मैं तो पहले ही इस लड़की से सलमान का रिश्ता नहीं करना चाहता था। भाभी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? अगर ईमन राजी नहीं थी तो... ईमन राजी थी नबीला। उसने तो मुझे कभी नहीं कहा कि वो सलमान से रिश्ता नहीं करना चाहती। क्यों मासूम बन रहे हैं आप लोग? मतलब लड़की क्यों इनकार करती है जब उसकी दिलचस्पी कहीं और है? और ऐमन के इनकार से साफ जाहिर हो रहा है कि वो रिश्ता कहीं और करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है नौशी, अगर ऐसा कुछ भी होता वो मुझे बता सकती थी, अपने बाप को बता सकती थी। वैसे कहने वाली बात नहीं है भाभी, लेकिन आजकल उसका एक दोस्त घर बहुत आना जाना कर रहा है, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उससे। प्लीज नौशी मामी, बिना तस्दीक के हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। तस्दीक भी हो जाएगी सलमान। ऐसे? मामू? भाई? ऐसे भाई? ऐसे? डॉक्टर को बुला। मैं? ऐसे भाई? क्यों परवाह करूं मैं किसी की? किसी ने मेरी परवाह नहीं, मेरी औलाद का ख्याल नहीं रखा तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं। अच्छा, वो रिश्ता खत्म हो गया है तो ऐमन बीबी को तुम नजर आ गए हो, वो नहीं तो ये सही। पागल हो गए हो तुम? पागल तो हूँ मैं अम्मी, उसकी मोहब्बत में। तनी अचानक क्या हो गया ऐसन को? पहले जैद ने हॉस्पिटल पहुंचाया ऐसन भाई को, और अब उनकी बेटी की खुद सारी। भाई मैं पूछती हूँ, अगर रिश्ता मंजूर नहीं था तो पहले बता देती ना, यूं मुंह फाड़ के मना करने की क्या जरूरत थी? पता है कि बाप बीमार है। बस कर दो नौशी, मेरे भाई की सेहत के लिए दुआ करो बस। क्या कह रहे थे डॉक्टर सलमान? मामू की हालत अच्छी नहीं, क्रिटिकल है। ऑपरेशन का कह रहे थे डॉक्टर साहब? ऑपरेशन से बात अब बाहर जा चुकी है, उनकी सेहत बहुत खराब है, बस दुआ कीजिए। तुम्हें क्या जरूरत है रिश्ते से इनकार करने की, वो भी इतना अचानक? भाई साहब की तबीयत संभल रही थी, तुम्हें कुछ अंदाजा तुम्हारे इस फैसले से उनको कितना बड़ा सदमा पहुंचा है? दो चार दिन की बात थी, दो दिन रुक जाती घर का कोई गाहक लग जाता, पैसे हाथ में आ जाते, मैं बिना झिझक भाई साहब का इलाज करवा देता।
आसिम ने तो दिन रात एक कर दी थी, कह रहे थे कि एहसन भाई की सियासत से बढ़कर नहीं है मुझे ये मकान अजीज। प्रॉपर्टी एजेंट्स और रिश्तेदारों से भी बात कर ली थी घर बेचने के लिए कि नहीं, इस लड़की को तो कोई ख्याल ही नहीं है। बस कर दे मामी, हर किसी को अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक हासिल है। भाई तो इस हक को पहले इस्तेमाल करना चाहिए था ना, पता है कैसन भाई की हालत खराब है, कौन सी बात कहां करनी है, इतना एहसास होना चाहिए, बच्ची नहीं रही अभी। मुझे नहीं पता था कि मेरे इनकार की वजह से आपकी ये हालत हो जाएगी, मुझे माफ कर दें। तकलीफ मुझे तुम्हारे इनकार में नहीं, तुम्हारी बेतबारी ने पहुंचाई। मैं अपने बाबा को इस काबिल भी नहीं समझा कि तुम्हें एतबार किया जाए। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सलमान के रिश्ते से इनकार क्यों किया? कोई और है तो बता सकती हो तुम मुझे? नहीं, कोई नहीं बाबा। फिर क्या बात है बेटा? बस मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती जो बाहर जाके नौकरी करे। मुझे मामा जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी बाबा, डर लगता है मुझे आपकी और मामा की जिंदगी से। जरूरी तो नहीं है बेटा कि दो इंसानों का मुकद्दर एक जैसा हो, और तूने इतने से खौफ की वजह से मेरी इतनी बड़ी खुशी को रोने में बदल दिया। ये इतना सो खौफ नहीं है बाबा। सुहाग ने मुझसे मेरा पूरा बचपन ले लिया, मामा की तन्हाई, उनका अकेलापन उनके साथ झेला है मैंने। आपसे रैतकी ने हमारी छोटी छोटी खुशियां आपसे छीन ली बाबा, और अब आपकी ये हालत। मैं मामा और आपकी तारीख दोबारा नहीं दोहराना चाहती। हिम्मत नहीं है मुझ में बाबा। क्योंकि तेरी किस्मत मेरी और जूबी की जैसी जरूरी नहीं है बेटा कि दो इंसानों का नसीब एक जैसा हो। ऐसा करना नहीं चाहती थी बाबा, लेकिन जब सलमान ने बताया कि उसे दुबई में नौकरी मिल गई है, तो मेरा खौफ मेरे इकरार पे हावी हो गया और मैंने इनकार कर दिया। अगर सलमान से कहूं कि वो बाहर ना जाए, यही नौकरी ढूंढ ले, तो तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है? नहीं बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। हेलो। हेलो ए बात, वो सेहत कैसा है? ठीक हो जाएगा, क्लिनिक में एडमिट करवा दिया मैंने उसे। डॉक्टर मेरे अबू के दोस्त, काफ़ी ख्याल रखेंगे उसके। थैंक यू ए बात, बहुत अच्छे हो। अंकल कैसे हैं? ठीक नहीं है बाबा,
उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, हॉस्पिटल आना पड़ा। मैं उस दिन जब घर पे मिला था तब तो काफी बेहतर लग रहे थे, ये एकदम से हॉस्पिटल। सब मेरा कसूर है। क्या मतलब? मुश्किल में डाल दिया ऐसे बदतमीज बेटी की खातिर अपने बच्चे का फ्यूचर तबाह कर दे। मेरा भाई बीमार है मजबूर, उसके पास दिन ही कम रहे। दिन कम है तो हम अपने बच्चे के आने वाले खुशगवार दिनों को ऐसी गुम लगा दें? इनकार कर दो साफ साफ, ये अच्छी जबरदस्ती, सलमान बाहर ना जाए, यही नौकरी करे, और कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे भाई को, ये सब ड्रामेबाजी है, अभी ठीक होके आ जाएंगे बाहर। क्या हो गया भाई साहब, मान जाए ना। वैसे भी आप मुझे और आसिम को ताने देते रहते थे कि बहुत लूटा है हमने एहसन भाई को, तो लूटा तो आप लोगों ने भी कम नहीं है, चुका दे एहसानात का बदला, मौका है। देखे नौशी भाभी, अपना मशवरा अपने पास रखे और मेरे मुंह ना लगे। क्या हो गया मंजूर? नौशी भाभी ने शुरू किया। अबू प्लीज खत्म करें इस बहस को। तो जाओ जाके इनकार कर दो मामू को, कह दो कि आपकी बेटी की बेतुकी ख्वाहिशों के खातिर मैं अपना फ्यूचर नहीं तबाह कर सकता। जाओ। किसी को इनकार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही इनकार कर चुकी हूँ, आप लोग ये जहमत ना करें। और जो तुम्हारा बाप हमारी मिन्नतें कर रहा था उसका क्या? वो क्या हो गया, बस कर दें प्लीज। नहीं करेंगे आपकी मिन्नत, फिक्र ना करें आप। हेमंत तुम परेशान ना हो, मैं सलमान प्लीज तुम अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो और दुबई जाओ, और अगर एहसन भाई को कुछ हो गया तो इल्जाम किसे दोगी, हमें ना? नबीला आपा, मैं आपको बता रही हूँ, आप जानती हैं कि एहसन भाई ने एमन की शादी को किस तरह से सवार किया हुआ था अपने दिमाग पर, ये ना हो कि आपके इनकार से उनकी जान। नौशी जी प्लीज, मेरे बाबा को कुछ नहीं होगा और वो अपनी आंखों के सामने अपनी ये ख्वाहिश पूरी होते देखेंगे, और इस सब के लिए मुझे आप में से किसी की भी मदद दरकार नहीं है। हेलो इबाद, क्या मतलब अभी? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल आ सकता हूं, मैं अम्मी को मिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो ना आ सकी तो मैं जरूर आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। मैं तुम इंतजार करना, आई एम जस्ट ऑन माई वे। पापा क्यों रो रही हैं आप? हौसला करें मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है जैसे सब खत्म होने वाला है। क्यों मायूसी की बातें कर रही? कुछ नहीं होगा, मायूसी की बातें कैसे नहीं करूंगी मैं, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। डॉक्टर्स ने, खानदान वालों ने, सबने जवाब दे दिया, तुम्हारे बाबा भी इतने मायूस हैं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी इस वक्त तुम्हारी शादी है, पर तुम बाबा को ये खुशी जरूर मिलेगी, आप फिक्र ना करें। मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूं, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें मरीज की इयादत के लिए जाना जरूरी तो नहीं होता, और फिर मैं जानता हूँ कि एमन के वालिद बीमार हैं, इस लिहाज से आप भी तो जानती होंगी ना। ठीक है मैं चलती हूँ, तैयार हो जाती हूँ मैं। अम्मी वो सिर्फ इयादत नहीं करनी बल्कि बोलो वो एहसन अंकल से
हेमंत का हाथ भी मांगना है। क्या? जी। बाबा प्लीज किसी को मजबूर ना करें, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। किसी को मजबूर नहीं कर रहा मैं बेटा, पर कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता, इतना मैं समझ गया। अब आपको मुझ पे यकीन है ना, मुझ पे भरोसा करते हैं ना आप? खुद से ज्यादा यकीन करता हूँ मैं अपनी बेटी पे। बाबा ये बात आपसे मेरा रिश्ता लेने आएगा, बहुत अच्छा लड़का है वो, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ते, आप मिले हैं ना उससे? जैद की भी बहुत मदद की है उसने, पसंद करता है मुझे, और कोई खुशी तो नहीं दे सकी आपको बाबा, पर ये जरूर दूंगी। बहुत खुश हूं बेटा, ये फैसले पे बिल्कुल मुतमईन हूं। हाँ। बहुत अच्छा लड़का है वो, मिला था उससे, मुझे यकीन है मेरी बेटी को वो बहुत खुश रखेगा और उसके दिल से हर खौफ और डर निकाल देगा। लेकिन आसिम, नौशीन, नबीला पा क्या कहेंगे, सब बातें करेंगे? क्यों परवाह करूं मैं किसी की, ने मेरी परवाह नहीं, मेरी औलाद का ख्याल नहीं रखा तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं। बेटे बात से को फौर अभी अपनी वालदा को लेकर यहां पे आए, वक्त निकलता जा रहा। नहीं बाबा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक सेकंड पहले कह रहे थे इयादत के लिए जा रहे हैं, आप कह रहे हो कि रिश्ता मांगने जा रहे हैं हम? वो दरअसल एहसन अंकल की तबीयत ठीक नहीं है ना मम्मी, तो वो चाह रहे थे कि उनकी जिंदगी में ही हेमंत की शादी हो जाए इसलिए। तुम तो कह रहे थे उसका रिश्ता हो रहा है, करने दो उन्हें, अब अचानक क्या हुआ है? वो रिश्ता तो खत्म हो गया इसलिए। अच्छा, वो रिश्ता खत्म हो गया है तो एमन बीबी को तुम नजर आ गए हो, वो नहीं तो ये सही, पागल हो गए हो तुम? पागल तो हूं मैं अम्मी, उसकी मोहब्बत में, और क्यों ना हूं पागल, सोहेल नासिर का बेटा हूं ना मैं, वही सोहेल जो आपसे अंधी मोहब्बत करते थे, और फिर ना उन्होंने अपना खानदान देखा, ना समाज देखा, ना अपने बीवी बच्चे, और अपना लिया ना आपको। हाँ, उसी सोहेल नासिर की वजह से ना आज दिन तक मैं सजा काट रही हूं, और अब मैं तुम्हारे पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तो आप नहीं चलेंगी मेरे साथ? नहीं, शीमा और रोहेल के सामने मैं शर्मिंदा नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर मैं अकेला चला जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी, जब मैं वापस आऊंगा तो शायद मेरे साथ आपकी बहू भी हो, और उस वक्त आप सिर्फ शर्मिंदा नहीं होंगी बल्कि बहुत शर्मिंदा होंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर आप मेरे साथ चलेंगी, उनसे रिश्ता मांगेंगी, तो कोई आपके खिलाफ नहीं बोल सकेगा, दूसरी सूरत में मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, उस लड़की की खातिर ब्लैकमेल कर रहे हो अपनी माँ को? मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं आने वाले नतायज और हकायक से आगाह कर रहा हूँ आपको। बेटा तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो मेरा सहारा हो, मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं हूँ आपका सहारा, आपकी उम्मीद हूँ मैं अम्मी, लेकिन किसी और ने भी मुझे बहुत उम्मीद से पुकारा है, उसे मदद चाहिए, मैं उसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई और वो है जिसे मैंने दिल से चाहा है।
उसे मायूस नहीं कर सकता। प्लीज आप भी मुझे मायूस ना करें, प्लीज। डॉक्टर साहब, आप बार बार गरोदगी में क्यों चले जाते हैं? कुछ इनकी हालत और कुछ दवाओं का असर है। मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? बस आप दुआ कीजिए, बस दफा दवाएं काम नहीं आती, दुआएं काम आ जाती हैं। और आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। अम्मी आ जाए। चलो चल। अरे लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई, आप लोग कहीं जा रहे हैं? वो अब जी मेरे रिश्ते के लिए जा रहे हैं। अभी तक पढ़ाई खत्म नहीं हुई और आप इसका रिश्ता लेने जा रही हैं? जरा जल्दी में, I'm sorry. लव मैरिज का चक्कर लग रहा है क्यों छोटी अम्मी? जी बिल्कुल ठीक समझिए। ये तो अच्छा हुआ मैं मौके पे पहुंच गई, वरना आप लोग तो अपने किसी मामले की हवा ही नहीं लगने देते मुझे। वैसे लोग कौन है, कैसा खानदान है? नेक और शरीफ लोग हैं और यही काफी है। छोटी अम्मी बड़ी खामोश है।